वालेकुम, मैं हूँ यासर खटक और आप देख रहे हैं यासर खटक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज एक बार हम आपको फिर लेके आए हैं अरबाब नियासिका स्टेडियम। आज हम आपको बताएंगे कि क्या काम हुआ है और क्या होने वाला है और क्या हो चुका है इंशाल्लाह। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अभी आई एम द टॉप ऑफ अरबाब नियासिका और यहाँ पे ये देखें शेड पे काम हो रहा है। ये जो साइड वाला कपड़ा था इस पर हमने काम शुरू कर दिया। और गाइस चेक करें, ये भी चेक करें, इतना खूबसूरत लग रहा है एकदम टॉप से। इसका पेच नज़र आ रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले पेज पे। तो पेज पे भी काम साथ साथ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको लेवल भी हो चुका है, इसका सारा कुछ हो चुका है, बस थोड़ा बहुत तो इसका काम रहता है, बाकी ये कंप्लीट ही है पेज इसका पूरा, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो थी इस तरह की चेयर्स लगी हुई थी, जिस तरह ये लगी हुई है, लेकिन बीच में जो येलो है वो नहीं लगाई थी। अभी वो बीच में जो है यहाँ से इन्होंने येलो लगाना स्टार्ट किए, यहाँ तक अभी आ गए, ये लगा रहे, इसके बाद ये लगाएंगे, तो फिर यहाँ भी बीच में येलो होगी। ये काफ़ी अच्छा ये लग रहा है, इस वजह से कलरफुल चेयर्स बहुत अच्छी लग रही है इसमें। आते हैं क्लिप बोर्ड पे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से किया है, तो यहाँ से इस पर काम हुआ है। उस दिन जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था तो यहाँ तक आई थिंक हुआ था। अभी यहाँ पे जो है लड़के काम कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे वाली साइड से भी ये उस पर भी काम कर रहे हैं, नीचे से भी लगा रहे हैं पूरा, देख सकते हैं आप। यहाँ से जो है ये सारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब उधर से काम जारी है, आगे भी चलेगा, ये पूरा इस तरह जाएगा, ये पूरा काम होगा इस पर इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना यहाँ तक काम हुआ है और ये लड़के लगे हुए हैं, अभी इधर से काम कर रहे हैं, याल पे जाएगा वहाँ तक, इन तक जाएगा पवेलियन तक, ये सारे लगेंगे इंशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत तरीके से ये लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत से लोग यही सवाल करते हैं कि शर्ट कब लगेगा, ये रेड कुर्सी और कब लगेगा, तो हमने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है इंशाल्लाह। और अभी कुछ दिनों का काम है, मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा हमने चढ़ा दिया, पर इसको लगाएंगे, टाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ दिनों का काम है इंशाल्लाह, ये भी और ये भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में लग जाएगा। अच्छा जी, ये क्लिप बोर्ड वालों के लिए ये फोल्डिंग हुई है आज, यहाँ से लेके ये पूरी जो है ना, ये अपने पहले नहीं देखी होगी मेरी वीडियो में, ये इनके लिए फोल्डिंग हुई है, यहाँ से जो है वो काम स्टार्ट करेंगे था, यहाँ से यहाँ तक आएगा एक बोर्ड जो है ना, यहाँ तक जाएगा कंप्लीट जी। वीआईपी ब्लॉक की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं कि चेयर्स ये जो ये वाली है ये सारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि ये लग चुकी हैं, ये अभी उधर से स्टार्ट हुई हैं, अभी ये लगना स्टार्ट हुई हैं, यहाँ से लगी है अभी सारी पूरी, वो भी लगेंगी, ये भी लगेंगी, मतलब सारी लगेंगी, ये आप देख सकते हैं। ये वीआईपी ब्लॉक है, ये वीआईपी ब्लॉक की चेयर्स है सारी। बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि स्टेडियम छोटा है, इस पर मैच होंगे नहीं, पीसीएल होगा नहीं होगा, ओडीआई होगा नहीं होगा, तो भाई जान ये ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेडियम छोटा नहीं है,
ये कैमरे में पता नहीं सारा दिखता है या क्या, क्योंकि मुझे हर जगह पे ये कमेंट आते हैं, मुझे टिकटॉक पे भी ये कमेंट आते हैं, यूट्यूब पे भी ये कमेंट आते हैं, लेकिन ये स्टेडियम छोटा नहीं है। इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो इस पर मैच जो है वो हो चुकी हैं, इस पर इंटरनेशनल मैच जो सारी हैं वो हो चुकी हैं, मतलब कि छोटा नहीं है। ये डायमेंशन है इसकी, बाउंड्री साइज़ और ये वो हम ये आपको अभी नहीं बता सकते, हमें अलाउ नहीं है बताना। इंशाल्लाह जब ये कम्प्लीट होगा तो आप तो हम बताएंगे पूरा कि कितना इसका जो बाउंड्री साइज़ है वो, बाकी सारा कुछ हम आपको पूरा पे बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आते हैं टचिंग पे, जो मैंने आपको बताया था कि टचिंग हो रही है साइड से, जैसे कि ये अगर कोई किसी की बाउंड्री टूटी हुई है, किसी का किनारा टूटा हुआ है, तो वो सारे बना रहे हैं, तो वो तकरीबन यहाँ तक सारी जो स्टेयर्स हैं उसी कंप्लीट हो गए हैं सबके, यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया अभी यहाँ तक जो है ना, तो कल से वहाँ से स्टार्ट होगा। फिर वो देख सकते हैं कि ये जो है ना इस सारे किनारे जो है ना वो बने हुए हैं, इसको आप टचिंग कह सकते हैं, फिनिशिंग कह सकते हैं, जो स्टेयर्स की होती हैं वो हो रही हैं अभी इसकी, यहाँ तक कम्प्लीट होगी, कल से यहाँ से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, शोर को ज़रा इग्नोर करिएगा। ये जो साइड पे जो पीछे वाल है, इस पे जो ऊपर का जो बॉर्डर है वो अभी बनना स्टार्ट हो गए, बाकी सब के मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए, सिर्फ इसके रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके बॉर्डर बन रहे हैं, खूबसूरती के लिए ये बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह सीधे बनेंगे, मतलब कि सब इस तरह हो जाएंगे, बाकी मेरे ख्याल से कम्प्लीट सिर्फ यही रहता है मेरे ख्याल से। मुझे सब ने आज एक चीज़ कमेंट में बतानी है कि जिन जिन को ये पवेलियन देखना है पूरा अंदर से, सिर्फ पवेलियन देखना है, उन्होंने कमेंट करना है कि हमने पवेलियन देखना है, तो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा पवेलियन के ऊपर, जो सिर्फ पवेलियन पे होगा, जो जिसमें ड्रेसिंग रूम सारा कुछ मैं उसमें दिखाऊंगा कि ड्रेसिंग रूम असल अंदर से किस तरह हुआ है, वो सारा कुछ मैं इसमें बताऊँगा इंशाल्लाह। ये जी नीचे से पवेलियन इस तरह कुछ दिखता है, और यहाँ से स्टेडियम इस तरह दिखता है कुछ, तो इस स्टेडियम में मुझे सबसे प्यारी जो चीज़ लगती है वो पवेलियन है, उससे बहुत मेहनत की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है स्टेडियम की। और यह है जी मीडिया ब्लॉक, ये पूरा मीडिया ब्लॉक है जिस पर अभी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो बाकी कंप्लीट कंप्लीट ही है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत इसमें काम रहता है। ये आपको जैसे कि पता है कि बाहर वाली साइड से तो क्लिप बोर्ड लग ही रहे हैं, जो वहाँ से स्टार्ट हुए थे वो तो लग ही रहे हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। उसके अलावा ये इस साइड पे भी इस पर काम शुरू हो गया, जो कि अच्छी बात है, जल्दी से हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ग्रीन इसका कलर ग्रीन है, इस भी काम हो रहा है। ये जी देख लें, यहाँ तक इस पर काम हो चुका है, इसके लिए भी फोल्डिंग हो चुकी है, और यहाँ तक इस पर काम होंगे, इस पर भी इंशाल्लाह काम जारी है, बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ये जी इसका बाहर आउटसाइड से भी आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है ना क्लिपबोर्ड बना रहे हैं, ये बना रहा हूँ भैया आपके, ये देखें यहाँ से जो है ना वो पूरा ये ग्रीन जाएगा, मेरे ख्याल से पूरी वीआईपी ब्लॉक पर जो है ना ये ग्रीन वाला पूरा क्लिपबोर्ड लगेगा। अच्छा, तो ये थी आज की जो हमारी ताज़ा अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, आज की अपडेट जो है, तो इंशाल्लाह लेटेस्ट अपडेट आपको हर वीक मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है आप तक पहुँचा सकूँ, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है इंशाल्लाह, और कमेंट करना बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कि मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, और मैं इसी तरह हर वीक जो है इस तरह की वीडियो में लेके आता हूँ लेटेस्ट अपडेट। हर मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और इसी तरह का आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं कोशिश करूँगा कि जो लेटेस्ट अपडेट होती है हर वीक आपको वीडियो में एक अपलोड किया करूँ, हर वीक मेरी कोशिश होती है कि आपको इन्फॉर्म किया करूँगी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ काम हो रहा है, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।